और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बीएड डीएड एडमिशन के लूट मामले में एक्शन लिया गया है। बता दें कि एससीईआरटी संचालक ने प्रवेश घोटाला मामले में संज्ञान ले लिया है। इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई और जांच कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा, बिलासपुर मुंगेली जिला मिशन समन्वयक जांजगीर चांपा बिलासपुर मुंगेली शामिल हैं और जिला शिक्षा अधिकारी और डीएमसी को संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बीएड डीएड एडमिशन के लूट मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला, क्योंकि इस खबर को, इस मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया था और स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खुलासे हमने किए हैं और पर्दाफाश किया है कि किस तरह से शिक्षा माफिया लूट का अड्डा बना रहे हैं शिक्षा के मंदिर को, क्योंकि जो फीस निर्धारित है बीएड डीएड के 19,000 से 34,000, उसके लिए वो 3 गुना यानी कि 1,50,000 रुपए फीस वसूली कर रहे हैं। बता दें कि 4 दिसंबर तक वीडियो क्लिप की सीडी के साथ रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जांच कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा को भी शामिल किया गया है। बिलासपुर मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल किए गए हैं जांच कमेटी में। ये प्राइवेट कॉलेज जो कि एडमिशन के नाम पर लूट मचाए हुए थे, खूब लूट रहे थे युवाओं को, और ऐसे में इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, इसका स्टिंग ऑपरेशन किया, कैमरे में कैद हुए वो चेहरे जो खुलकर कह रहे हैं उनकी फीस इतनी है और इससे कम नहीं हो सकती है। जब यह भी पूछा जाता है, यह भी कहा जाता है उनसे साफ तौर पर कि इसके लिए फीस 19,000 है और 30,000-34,000 निर्धारित है, तो इसके लिए आप 1,50,000 रुपए क्यों ले रहे हैं? तो इसको लेकर जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कहा आपने उससे पहले वो भी सुना था, कि जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में ये कर्मचारी, इस कॉलेज के जो कर्मचारी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, 1 रुपया भी कम नहीं होगा, यही फीस निर्धारित की गई है। लेकिन इस खबर को हमने प्रमुखता से इसलिए भी उठाया क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और एडमिशन के नाम पर लूट खसोट चल रही थी, लूटमारी चल रही थी। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए 1,50,000 रुपए बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए हमने ये कोशिश की है कि इस खबर को सरकार तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन जागे, इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। तो सत्या, इस स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब मामला तो जहां पे लूट मची थी, जिस तरह से जो है वीडियो हमने दिखाया, उसके बाद से एससीआरटी ने डायरेक्ट इस मुद्दे को जो है संज्ञान लिया और इसमें जो है जांच कमेटी जो है गठित कर दी गई है। जिन हम महाविद्यालयों का जो है वीडियो दिखाया था उस पर सीधा जो है जांच कमेटी बिठाई गई है। एक जांच कमेटी है और दूसरे जो है राज्य स्तर सभी कॉलेजों में जांच करने के लिए जो है आदेश जारी हुआ है। डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष हमारे साथ, ये जो आदेश जारी हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो आदेश जारी हुआ है ये निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन ये सफलता हमें तभी हासिल हुई है जब हमारे साथ सत्या राजपूत जी और न्यूज 24 का पूरी तरह से साथ मिला है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ न्यूज 24 को और सत्या राजपूत जी को। जी, कौन कौन से कॉलेज है जिन पर जो है कार्रवाई होनी है? सोनकर कॉलेज है मुंगेली और आपका शिव शक्ति कॉलेज डीएड बीएड खोरसी, ज्ञानदीप कॉलेज है आपका जांजगीर चांपा, राधा कृष्ण कॉलेज नवागढ़ जांजगीर चांपा और SES है महाविद्यालय फरहदा बिलासपुर, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय बलौदा जांजगीर चांपा जी। और राज्य स्तर पे क्या आदेश जारी हुआ है जो जांच होना है उसको? राज्य स्तर पे सीधे सीधे जांच के लिए आदेश ये हुआ है कि जो भी कॉलेजेस
जो निर्धारित फीस है 34,070 रुपए और डीएड के लिए 19,000, उससे ज्यादा फीस जो भी कॉलेज ले रही है उसके ऊपर कार्यवाही के लिए कमेटी बनाई गई है और जिसकी जांच के लिए 4 तारीख तक का समय दिया गया। न्यूज 24 की भूमिका किस तरह देख रहे हैं पूरे इस मामले पे? पूरे इस मामले में न्यूज 24 की मुख्य जो हमारे साथ खड़े हुए, और ये न्यूज 24 की बदौलत है कि आज हमें ये न्याय मिल पाया है और उन छात्रों को न्याय मिल पाया है जो निश्चित तौर पे मेरिट सूची में थे और जिनको ये कॉलेज वाले लूट रहे थे, उन सबको न्याय मिल पाया है न्यूज 24 की वजह से ही। ठीक है, तो देखिए अभी जांच कमेटी का जो है सदस्य जो है कमेटी गठित कर दी गई है जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी है, डीएमसी है, समन्वयक है और उनको जो है इस पे जो तत्पर कार्रवाई करने के लिए जो है आदेश जारी किया गया है। ठीक है सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।